लाडली बहन योजना, ये जो स्कीम जारी की गई है, इस स्कीम के तहत डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने जो कैंप लगाए थे और जिसमें कोशिश अब्दुल फराज अब्दुल समद साहब ने की थी, वो कैंप कामयाब हो गया और हम सब गरीब बहनों के खाते में पैसे भी आ गए। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल कर दे। मे अल्लाह गॉड ब्लेस यू एंड रिवार्ड यू फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। थैंक यू। मैं इस बात की गवाही देना चाहता हूं कि ये सब आपका हक है। इंशाअल्लाह ताला मैं हो या फराज भाई हो, हम सब आपके भाई, आपके सरपरस्त की हैसियत से आपकी मदद करते रहेंगे और जो जो स्कीम आप गवर्नमेंट की आएंगी उसमें हम आपका साथ देंगे। हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की भी बात सुन लेते हैं और इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। अल्लाह ताला देता तो सबको है मगर लगाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, तो हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और भी इंशाल्लाह जो भी स्कीम आएंगी हम डॉक्टर साहब के पास हमेशा आते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाडली बहन योजना, ये जो स्कीम जारी की गई है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जानिब से जारी की गई है। इस स्कीम के तहत डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने जो कैंप लगाए थे और जिसमें कोशिश अब्दुल फराज अब्दुल समद साहब ने की थी, वो कैंप कामयाब हो गया और हम सब गरीब बहनों के खाते में पैसे भी आ गए। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल कर दे। मे अल्लाह गॉड ब्लेस यू एंड रिवार्ड यू फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। थैंक यू। हुकूमत महाराष्ट्र की जो स्कीम हमारी बहनों के सिलसिले में शुरू की गई थी, उस सिलसिले में हमारे नौजवान साथी फराज अब्दुल समद ने बहुत मेहनत की। आज मुझे खुशी है कि हमारी बहनें और बेटियां मेरे साथ मौजूद है। फराज अब्दुल समद की कोशिशों ने उनके खाते में कुछ अमाउंट जमा करने की कोशिश की है। मैं इस बात की गवाही देना चाहता हूं कि ये सब आपका हक है। इंशाअल्लाह ताला मैं हो या फराज भाई हो, हम सब आपके भाई, आपके सरपरस्त की हैसियत से आपकी मदद करते रहेंगे और जो जो स्कीम गवर्नमेंट की आएंगी उसमें हम आपका साथ देंगे। आपने यहाँ आकर हमारी शुक्रिया अदा किया, काबिल सताइश है और इंशाअल्लाह मिलजुल कर अच्छे काम करेंगे। यही अगर रब इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम। जय। अस्सलाम वालेकुम। मैंने लाडली बहन योजना के तहत जो भी काम किया हूँ डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में किया हूँ। मैं लाडली बहन योजना का काम लेने के लिए डॉक्टर साहब के पास आया था कि डॉक्टर साहब हमारे वार्ड के अंदर लेडीज हर तरफ फिर रही है, कोई इंटरनेट कैफे के चक्कर लगा रहे हैं, इंटरनेट कैफे वाले कोई 400 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 600 रुपये हमारी बहनों से मांग रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कम है वो कम है, इसके लिए उन्हें घड़ी घड़ी चक्रा मारना पड़ रही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं फराज, इसका कैंप अपन लेंगे, आप जाइए मंडप लगाइए, जो भी खर्चा हुआ हम करेंगे, आप बैठ के उनका पूरा काम कीजिए। अपने घर की जो बाहर की अपनी माँ बहने हैं वार्ड की, वो चौतरफ फिरना नहीं चाहिए। ये डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छे तरीके से बिठा के समझाया और ये भी कहा कि आपके पास आने वाली माँ बहने हैं अपनी, एकदम एहतराम से उनका फॉर्म भरिए, अच्छे से बात कीजिए और उनकी पूरी कार्रवाई को अंजाम दीजिए। और अल्लाह का एहसान रहा कि हमने जो जो काम किए उसमें से कुछ लेडीज के सेंक्शन हो चुके हैं और कुछ लेडीज के आने वाले टप्पे में इंशाल्लाह हो जाएंगे। हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की भी बात सुन लेते हैं और इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। अल्लाह ताला देता तो सबको है मगर लगाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, तो हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और भी इंशाल्लाह जो भी स्कीम आएंगी हम डॉक्टर साहब के पास हमेशा आते रहेंगे और हमारी माँ बहनों का फायदा करते रहेंगे। शुक्रिया। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।